नमस्कार मेरे भाइयों और भैनों, अज मेरा सैकंड ब्लॉग शुरू होई गया है। कहना ये मेरे बाबा जी ने कहना कई जगह च बोलते हैं पिता जी, जेडे अपने ग्रैंडफादर होंगे न, तो मेरे ग्रैंडफादर जी ने मतलब मेरे पापा के चाचा जी ने, तो क्योंकि मेरे बाबा जी जेडे इन्ह के भाई है मेरे सके बाबा जी, उन्हें डैथ हो चुकी हो, तो हम साढ़े यही बाबा ने करता धरता साढ़े पूरे पिंडे एकमात्र बुजुर्ग ने। कहना सारे मतलब पिंड इन्हों की मतलब कोई भी सलाह मशवरा करना होता इन्हों की सलाह जरूर लेंदा। कहना ये देखे लिया कम से कम साढ़े बाबा जी की उम्र है इस वेल 90 साल के करीब, देखे लिया हले भी मतलब कम कार करते हैं, घा भी करते हैं डंगर पानी भी पियाते हैं, फिर और भी मतलब जो कोई दुकाना से समान समून लेना होता मतलब लेते ना नहीं बोलते ना कम करने, पर साढ़े बाबा जी खुद ही करते कि शरीर फिट रहे। कई बजुर्ग होंगे कि नहीं करते कम, चलो बेचारे तो नहीं होंगे, पर साढ़े बाबा जी करते हैं। वैसे इन्हें प्रॉब्लम है इन्हें लक्के काफ़ी ट्रीटमेंट भी करे जे साढ़े चाचा जी ने, पर थोड़ा नहीं फर्क पाता इन्हें, तो फिर भी देख लिया अपना लक बनी के डेली इन्हें घा लेना हों, चाहे बुखार हो कुछ भी हो मतलब नहीं मनते। और हाँ जो बहुत ही खुशी की गल ये है कि साढ़े बाबा जी देखी लिया इन्हें एक बहुत बड़ी खासियत, इन्हें दंद जो अजे तक टुटे नहीं, बाबा दस नहीं जरा को देखा कई सोचते खरा मैं मजाक करता नहीं, इन्हें सच्ची ओरिजिनल दंद ने नहीं टुटे, बाबा जी तमाकू लाते न बाकी नशा पत्ता कोई करते नहीं। और बाबा जी साढ़े बाबा तुह बोली दे कुछ हूं है ठीक है है ठीक है नहीं नहीं कोई गल्ला करा चार कोई कोई सलाह मशवरा दे दिया बस ठीक है जोड़ा मेरे गलाने का मतलब ये है कि हाँ मतलब जेडे कई लोग आते कम कुर कम कार नहीं करते क्या शरीर अपना मतलब लाइन दे व्यर्थ के कामों साढ़े बाबा जी देखे काफ़ी ज़्यादा कम करते, हले भी तंदुरुस्त ना कोई बीमारी शमारी भी दूर रही है कना मतलब देखी ले इस उम्र बंद चला नहीं सह चढ़ी पाँगा ना साढ़े बाबा मजल के तो हाँ पति 20 किलोमीटर ग्लाइडिंग है ना 20 किलोमीटर भी जा ही होना मतलब तो। और बाबा जी ने एक अपना कम से कम इन्हें तो मतलब कई बंद अच्छा पशु रखना नहीं पसंद करते ना, तो इन्हें अपने पशु रखी होंगे ने इन्हें घर मतलब दुध शाह लस्सी हर टाइम रहा है ता ही तंदुरुस्त न, और चाहे बरखा हो चाहे निम्बल हो इन्हें काम करना ही करना है, इन्हें कोई नहीं हूँ साढ़े वर्गे कहते हैं यार बरखा लगी बहाने मार देने इन्हों वाला कोई बहाना नहीं, इन्हें काम करना तो करना ही करना है। और ऐसी गल नहीं बाबा इस उम्र च भी 40-50 किलो वजन चुकी लेंदे, हाँ अह तो मना करते ही वैसे, पर चलो ये बजुर्ग तो अंजे पता नहीं मनते बोलते भाई अह काम करना ही है, चाहे तो हाँ जो मर्जी बोलो है ना बोलना चाहते होंगे अच्छा गाने बजाने का नहीं, मैं गाने बिच गाँव मेरे दोस्त न, और मैं तो तुझे पता ही है मैं तो गाने बिच माड़ा दे आई एक्टिंग दी कर लैंदा थोड़ी बहुत। और सच्ची गल है अजकल क्योंकि जेडे बजुर्ग न बहुत ही मतलब घट घर बजुर्ग रही हुए क्योंकि एक क्योंकि बजुर्गों की बहुत ज़्यादा कमी हो चुकी क्योंकि हुण यंग जनरेशन जी है जिन्हें इन्नी ज़्यादा उम्र नहीं होती क्योंकि नशे पत्ते ले पाते साढ़े मेरा गलाने मतलब यही है नशे पत्ते तो दूर ही आ हूँ साढ़े बजुर्ग जी भी है देखे ले इस वे इन्हें नशे पत्ते सिर्फ ओन एक तमाकू लाते देसी है भी नशे पत्ते के बचे ता ही अजे इन उम्र है ना जो हाँ लोंग टाइम जीना चाहते हैं तो हाँ जो क्योंकि हाँ हाँ जो बीमारियां शमारियां तो भी दूर ता ही रह सकते हाँ नशे पत्तिया जे दूर रहेंगे। आइए बाबे आइयो आइयो चलो आइयो इं तो अगला मिंजो लेट ही कराईता है ना बरखा लगने वाली है मौसम तुझे पता बरसाती तो बरखा तो लगनी है। और देखा जी ये हाड़ा हिमाचल है हरा भरा देखा जी इतों बंदा ही दिखता होना उपरे भी कि इतों कि रेंदे होंगे लोग हाड़े बाबा जी ने देखा मंदिर बनाया भोले शंकर का इतों पूजा पाठ भी करते हैं पुजारी बड़े तगड़े ने कना ये माड़ी मोटी पुछ पछ भी दे लेंगे जिन्हें कुछ की गाह मैं गुआची ही हो हाँ जी तो एक बार ना पुछ दी भी थोड़ी बकरी 3 दिन बाद मिलनी तो 3 दिन बाद मिली कहना बोलिया भी 2 बच्चे होने कन्ने तो बकरी सू पई 2 बच्चे हे उस बाद हाड़े बाबा जी वाल बहुत ही बंदे ले पे होना तो पुछ पछ भी ले पे देना हाँ जी कोई ग्रह गोचर हो भी दही देंगे कि क्या उपाय करना चाहिए बहुत ही मुस्कुराते हुए हमारे बाबा जी देखो बहुत ही अच्छी तरह मात्र हाड़ा पहाड़ों में छोटा जहा गाँव है गाँव च रहने का बड़ा भारी नज़ारा क्योंकि शहर में भी लेंदे रोक पर जो पिंड रहने का नज़ारा है अलग ही है क्योंकि करोना लगा तो सब पिंड दौड़े क्योंकि इतों ना कोई रोक ना टोक जितों मर्जी घूमा फिरा खुला वातावरण है ना हरियाली ना कोई प्रदूषण ना कोई कुछ मतलब बहुत ही नज़ारा होंगे पहाड़ों रहने का इतों कई तरह जड़ी बूटियां कद्दू शद्दू सब कुछ लगे किजे कंडोलियां तपड़ा सब्जियां सुब्जियां अपने आप भी लगी पौंदियां दिखा उपरा तपड़ा बेली लगियां तो हुण मैं तुहानू दिखाना चाहता तां कद्दू भी लगे न ये अंबा दे पेड़ न
ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਬੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੇਖਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਰਲਭ ਹੋਈ ਗਈਆਂ ਇਹ ਦੇਖਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਕੱਦੂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਜਿਹਨਾਂ ਕਈਆਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਪੇਠਾ ਬੋਲਦੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਈ ਹੈ ਤੋੜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅੜੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੇਖਾ ਇੱਕ ਇਹ ਕੱਦੂ ਲੱਗੇ ਆ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੇਲ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੱਸੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਦੂ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਵੇਲਾਂ ਪਰ ਉਹ ਦੇਖੋ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਵੇਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਈ ਹੋ ਹੈ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਦੇਖਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਏ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇਖਾ ਇਹ ਵਾਹਿਆ ਗਲਗਲਾਂ ਦਾ ਪੇੜ ਜਿਹਨੇ ਕਿੰਬ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਕਿੰਬ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੈਂਟ ਕਿੰਬ ਨਾ ਹੋਰ ਦੇਖਾ ਇਹ ਮੱਕੀ ਹੈ ਮੱਕੀ ਬੀਜੀ ਤਾਂ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ